जी के रुबाने संत बाबा मंदीप दास जी कुराल दास जी संत बाबा मंदीप दास जी सिर्फ रंग आए गुरु के बाद पर पहुंचे ने जी आया क्रांतिकारी गुरुदेव साढ़े क्रांतिकारी बाबा किशन नाथ जी चेहरे वाले गुरु कह रहे सुने तो समाप्ति कर रही है क्योंकि इन्होंने विचार सुने ने बड़ी जरूरत है अपना इन्होंने विचार बहुत जरूरत यहोजे संत साडे यहोजे महापुरख समा दया करो हर एक प्रोग्राम से सदा करो बुलाया करो जिस कौम का प्रचार नहीं उस कौम का प्रसार नहीं इन्होंने महापुरखों को सिक्ख्या लेनी आप देखो बारह उन्नीस साल हो गए कीर्तन कर दिया पर अजे भी सीखी जा रहे हैं उनका कुछ नहीं अजे भी इन्होंने महापुरखों को ही आप सारा कुछ लेना है जो जो वचन इन्हें किए वे चलन की आदत पा रही है जोड़ा वचन भी करना तो रोल ही है पक्का ही है बेनती करिए सतगुर के चरणा पीने वाले गुरु में बेनती एक शब्द आप बोलेंगे फिर बोलेंगे गुरु रविदास जी तो खुशियां बुलाया नाल फिर समाप्ति और सारी संगत का धन्यवाद है जी आया दुखियों के
हरिदास गुरु सोहमरी रखिया कर गुरु गुरु परिशासन जी सतनाम जी सतनाम 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 सदा सतनाम। जय
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁੱਲੀ ਭਗਤੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਮ ਕਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਲ ਮੁਰਾਰੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਧੁਖੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਗਰ ਕਾਜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਵਿਸਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਈ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਆਇਆ ਹੈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਕੁਅਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ। ਉੱਚ ਨੀਚ ਦੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਛੂਆ ਛਾਪ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਾਂ ਮਿਲੇ ਸਬਦ ਕੋ ਹਮ ਸ਼ੋਧ ਕਰੇ ਸਭ ਸੰਗ ਸਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਹਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟ ਨਾਮ ਵਾਸੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਮਨ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਗਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। Yeah.
गुरु जी ने याद कराया कि पहले से कोई जन बन के गुरबाणा बन के गुरु की शरण के बच्चे आ गया है। जो मांगे ठाकुर अपने पे सोई सोई गई है। सतगुरु जी कहते फिर जो भी गुरु के चरणों के बच्चे मंगेगा सारियों का काम गुरु जी चुनिया काम कर संगत करिए साध की बंदो करे खुदा लोहा चमचम होत है देखो पार सुना मंगल लागे जिते आशा हो गए संताना रब मूवी मंगला पै जाता पिता अरदासा जरा तो पढ़ के सुन दिते करे तमाशा से गुरुजी ने याद कराया कि कहीं संत शरण जो जन परे सो जन जनहार संत की निंदा नाम का वह उदाहर होता है। सतगुरु जी कहते जिथे साधक पुरुष ने नाम जपण वाले संतान की शरण में चले गए संत शरण जो जन परे सो धन उतर निहार साहिब जी कहते भाई उन्होंने संसार के उत्ते आना सफला हो गया जेडे निंदे कुरसी नाम जपन वाले संतान की निंदा की है बार बार आता है। सतगुरु जी कहते भाई बार बार इस संसार के उत्ते आए ने पर बार बार संसार के रोगों को लोगों को भोगना पाओ अज असि सारे संतान सतगुरु जी की पावन शरण के जुड़े बैठे हैं। जगतगुरु सतगुरु रविदास जी महाराज 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हेतु प्रगट हुए गुरु रविदास। सतगुरु रविदास जी महाराज समाज के लिए इस धरातल से आए ने भाई देवी कोई बांह फड़न वाला नहीं सी। अज सानू खुले खुले सह लैण का मौका मिलया है इंसान वाली जिंदगी जी रहे हैं जग वकील वे वे ऑफिसर बनने का मौका मिलया तो जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज दिता है उन्होंने स्मृति मानता ने पावन संदेश दिते अपन बापे नहीं किसी को पावन को हर राजा। सतगुरु जी कहते परमात्मा किसी के साथ की मलकीयत नहीं है कई दिन प्रेम पियो तो नहीं प्राप्त जो उसको प्रीत करेगा जोड़ा उस प्रेम करेगा। सतगुरु जी कहते भाइयों को मेहनत आ रहा है तो आओ आप सतगुरु जी की पावन शरण के असं जुड़ बैठे हैं तो अगर सतगुरु की चरणों के आओ सारिया संत बारह संत महाराज कृष्णदास जी उन्होंने भी समुचिया संतों को प्रवचना के नाम निहाल करना है तो आओ मैं ज्यादा लंबा ना जाते हुए एक दो शब्दों के नाम ही हाजरी लगा के आओ सारिया संत सतगुरु जी की शरण के और सारे संतान बारह रामा राम जी अक्सर कृतियां गाया करते संत महाराज रामा राम जी जिन्होंने कहा करो बनारे सात संत जी एक इतिहास रचाना है गुरु रविदास के मंदिर में सोने के रेत लगाना है कभी किसी ने गल सुपने के नहीं आई होगी कि जो डेरा सचखंड बलों के महान महान महापुरशा ने सदिया सदिया तो बाद जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी के पावन जन्म स्थान मंदिर की खोज की महाराज सतगुरु स्वामी सरबंदास जी महाराज डेरा सचखंड बलों विखे बैठे हुए ने विराजमान ने संतों को कहें कि भाई साढ़े समाज का कोई तीर्थ स्थान नहीं है साढ़े लोग कोई कितने जा रहे हैं कोई कितने जा रहे
रहा है तो मैं कई बार यह गल कही है कि आप चले जितने मर्जी जाइए रहना तुम्हारी है तो जो रहना तुम्हारी है फिर अपना घर ही चंगा है। किराए का मकान किन्ना भी आलीशान क्यों ना हो किराए का मकान किन्ना भी कीमती क्यों ना हो अपना नहीं हो सकता वो किराए का ही है। तो महाराज सतगुरु स्वामी सरगंगा जी महाराज संतों को कह लगे असं काशी के गुरु रविदास महाराज के जन्म स्थान मंदिर की खोज करके काशी के सोहना दरबार सजाने जा रहे हैं। संतों ने कहा महाराज काशी सुनिया जरूर है काशी देखे नहीं सत्ते पातशाह जी समाज के लोग इन्ने गरीब ने काशी कौन जाएगा। साधु बोले सहज सुभा साधु का बोलिया बिरथा ना जा। सतगुरु जी कहते जे नाम जपण वाले संत ने जेडे तपस्वी ने जिना सास विरास ना विसरे हर नाम नामन मंत्र धन से सही नानका पूरन सोई संत। सतगुरु जी कहते जिन्हों का एक सुवास भी नाम तो बिना व्यर्था नहीं जाता उन्होंने दर्शन ही बड़े दुर्लभ ने। तो महाराज सतगुरु स्वामी सरगुण दास जी महाराज मुस्कुराने लगे कह लगे एक बार फिर एक गल कहो कहते सत्ते पातशाह जी समाज के लोग गरीब ने काशी दूर है काशी कौन जाएगा। तो महाराज जी गुरु स्वामी सरगुण दास जी महाराज मुस्कुराने लगे कहते तुम पुछते काशी कौन जाएगा एक दिन यो जाएगा ट्रेना भर भर के संतां गुरु रविदास महाराज जी का पावन पवित्र जयंती समागम 5 फरवरी के मुताबिक श्री गुरु रविदास जन्म स्थान काशी बनारस विखे मनाया गया और 4-4 महीने पहले टिकटां संतां बुक करवाउंदियां है और किसी भी ट्रेन के विच जगह भी मिलती सी ते संतां दी कमाई है। ते आओ अज साडे समाज के लिए गुरु रविदास महाराज जी का पावन पवित्र दरबार काशी बनारस जिथे असी सारिया संतां गुरचरणा विच नमन करके अपने रहिबणां दा अपने गुरुआं दा आशीर्वाद प्राप्त करदे आं। आओ महाराज रामानंद जी दी पंक्तियां तो लिखियां ने आओ सारिया संतां मिल के उचारण करिए। द्वार दसवीं दा खोल दे मेरी ताला द्वार दसवीं दा खोल दे मेरी ताला मैं कुंडी हर के साथ वाले मैं कुंडी हर के साथ वाले द्वार दसवीं दा खोल दे मेरी ताला मैं कुंडी हर के साथ वाले साधुआ साधुआ नंदी
साबिता जावे सारी कमी कैसे करे सर पर जानो नरक जाते रहे सतगुरु जी ने याद कराए अड़को अगर थाप थे जाके दर्शन करे बड़ा पुण्य लिखा हुआ है कोई थाप तीर्थों से जाके दर्शन करे स्नान करे पूजा पाठ करे जीवन के पुण इकट्ठे करते देव अर्सा तीर्थ नए देव दया दसला पुजावे दसों को बारह बारह सिला की कोई पूजा करे देव खूब कटा दिलावे पुराने जमाने के खूह लगाना बड़ा पुण का काम जमा हो जाता से जो असं गर्मियों के दिनों के अब कुछ भी लगाते हैं पुराने जमाने के खूह पकाना बहुत पुण का काम गिनाया जाता है सतगुरु जी कहते कोई लोगों ने पानी पीने लिए खूह तलाब आए तो लगा दे भाव जीवन के पुण कट्ठे कर ले सतगुरु जी कहते अगर अचल चेतने नाम जपन वाले संतान की रसना के पिछले भाई निंदा हो रही है करे निंद सब बैठा जा रहा है सतगुरु जी कहते नाम जपन वाले संतान की रसना के पिछले निंदा की है सारा कुछ व्यर्था चला गया संतर जी कहते कहीं परमात्मा राम राम करता सब जग फिरे राम ना पाया जाए कोई बोले राम राम कोई खुदारे कोई सेव है गुसैया कोई अलग संतर जी कहते कोई किसी नाम नाल पुकार कोई किसी के नाम पुकार कोई सोचता है परमात्मा इतने रहता है कोई कहता शायद परमात्मा इतने रहता है परमात्मा कितने जंगलों में कितने पहाड़ों में कितने पर्वतों के उत्ते कितने सातवें समान के उत्ते बदलाव में नहीं रहता है तो सतगुरु जी कहते रविदास किया है बस रहे हो मानव प्रेम में मार है सतगुरु जी कहते परमात्मा के बनाए हुए निशाना के नाल प्रेम कर और परमात्मा सबना ने दिला के रखा मन चंगा रूप प्रति में गंगा सतगुरु ने बताया कि महाराज सत्संग आए हैं अपन बुराइया छकन असि अपने जीवन में बदलने वास्ते अपन जीवन के बुरी आदतों छकन वास्ते सतगुरु जी कहते कहीं आदमी अपन बुराइया छकन में तैयार नहीं है अपने जीवन में अपनी सोच को बदलने को तैयार नहीं है तो सतगुरु जी कहते भाई फिर जिन्हें मर्जी तीर्थों के ना लिया करो जिनी मर्जी पाठ पूजा सुन लेगा जिनी मर्जी फिर कर लेगा अपने जीवन में अपनी सोच को बदलने हिम्मत नहीं है उस बदलने तैयार नहीं है तो सतगुरु जी कहते फिर नावन चले तो मन खोटे तन चोर है एक बहुत अच्छी नातिया दो पैसे तीर्थों के नाल ना रब मिलता होंगे कदों का मच्छी मिल गया होगा गाँव मिल गया होंगे जो गाँव सतगुरु जी कह रहे पलीती कपड़ हो साधु नहीं है कहे कहे मन पापा के संगे नावे हाथ पैर गंदे हो कपड़ा मेरा हो जाए साबुन बने हैं कई तरह के अभिकार बदले बने हुए पूरा मौन के नाल कपड़ा साफ हो जाता है कपड़ा थोड़ा माड़ा हो गया थोड़ी मेहनत करनी पैंती थोड़ा साबुन माड़ा करता है ज्यादा माड़ा हो जाए ज्यादा मेहनत करने की लोड़ है तो सतगुरु जी कहते जिन्हें असं बार अपने शरीर को साफ करते हैं साबुन ला ला के कपड़े देखते हैं गंदगी तो नहीं है देखने वास्ते अच्छा लगता है सतगुरु जी कहते कहीं मन भी साफ कर अपनी सोच में भी पवित्र कर अपने जीवन में भी बदल अपने जीवन में चुगली ईर्ष्या बखैली द्वेष भावना
दूसरे के प्रति नफरत सकते कहीं हो भी त्याग कई संप्रदाय संप्रदाय जान का मौका मिले तो तीन बार मथा टेकते हैं तीन बार मरण करते हैं मैं कहना कारण मारे की वो कहते प्रयास करते हैं शरीर चुकते हैं अपने चरणा ने मन नहीं चुकिया है पहली बार प्रयास करते हैं शरीर चुक गया है मन नहीं चुके दूसरी बार फिर प्रयास करते हैं मन को चुकाने तीसरी बार प्रयास करते हैं मन पंचल चतुराई कि बंदा सोचता भी कोठियां कैरा महला राजे बड़े खुश होंगे राजपाल कुछ बड़ा आनंद है कि सतगुरु रविदास जी महाराज वे वे महलों वाले वे वे राजे उन्होंने शल में उन्होंने गुलाम बन के उन्होंने सेवक बन के आ गए हैं वे वे जगीसे लोग तीन को व्यापे चिंता रोग सतगुरु जी कहते भाई चिंता के ग्रस्त ने अज हर आदमी दुनिया का कोई भी व्यक्ति है स्ट्रेस के चिंता के किसी ना किसी प्रकार की जिस रैबर की असं गल करने वास्ते आए जिस रैबर की अब असी शरण के जुड़ बैठे आते गुरु रविदास जी महाराज उन्होंने किसी को सवाल किया प्रश्न पूछा गुरु रविदास जी महाराज कितने रेंगे हो की ठिकाणा है की एड्रैस है महाराज कहते जिते मैं रहा उस शहर का नाम बेगमपुर है जिथे किसी प्रकार का गम नहीं है जिथे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है जिथे किसी प्रकार की कोई घबराहट नहीं है गुरु पहली सात संघ जी वो बेगमपुरा का शहर का वासी फिर गलों के नाल ही बनाया जाता सतगुरु जी कहते भाई कमाई कर मेहनत करनी पवेगी सतगुरु जी कहते जिन्होंने जीवन है फिर दुनिया दिया दुकाना तो रहने वाला ने कपड़ा रंगाना हो ललारी के कोल जाने ललारी की करता है बार बार चिट्टे कपड़े को बार बार धोता है बार बार उस रंग को खोजता है जैसा रंग सुपता जैसा ये संसार मेरे नहीं ये रंग जीतता तो हो बता सरकार सर्दी कहने संसार सब ने रंग की तरह है देखने वास्ते तो अच्छा है पर कच्चा है नारक कचरे अपने शरीरक तौर पर तो आए गए हैं बंदा जाता है कहना इन्ना टाइम हो गया है सत्संग सुनद्या पूजा पाठ करद्या कीर्तन सुनद्या कीर्तन करद्या जीवन ही बदलेगा सतगुरु जी कहते भाई तेरा जीवन उदो बदलेगा जिस दिन तू अपनी सोच को बदलेगा नशे करने वाला व्यक्ति है अज गुरु की शरण के आए हैं एक ही काम करते भी दस अज तो बाद मैं नशा नहीं करता अत कतूरा सुरा पान उत्ते गाले प्रभात नाम खुमारी लिया जाए प्रभाव अमृत वेला हों सारे नशे उत्तर के शुरू हो जाते फिटे पैने शुरू हो जाए नानक मारी नानक
चढ़ी रही है। सबू जी कहते जिन्होंने जीवन के नाम का नशा है एक बार करना पैदा है, कभी उतरता नहीं कभी फिटता नहीं पैदा, वह रंग चढ़ता ही रहता है। किसी आदमी के को घर है छोटा घर है तो जो तो बड़ा घर बना लगा है छोटा घर की करता छद देता है। किसी के कोल छोटी गड्डी है छोटी गड्डी जो तो वड्डी गड्डी ले लेता है छोटी छद देता है या बेच देता है या किसी को दे देता है। साबू जी कहते नशे का नाम छोटा है कहीं किसने को कर्म जिस आनंद को प्राप्त करने वास्ते हीरा वर्गे राजे ने चल के पैदल सतगुरु जी की शरण में चितौड़ तो आ गए हैं। डूबे हारे रविदास दी दीदी जान तिरपति हीरा कहते गुरुआ के दर्शन करने नाल ही सहज भगत के नायका एक संघर्ष दिखाई जिन्हों के जीवन के प्यास है जिन्हों के अंदर तड़प है गुरु में मिलन की। सगुर जी कहते भाई मार्ग बड़ा औखा है उन्होंने चलना सब मार्ग चलते हैं उस तक कहे कहा संत का मार्ग धर्म की पौड़ी बहुत भागी पाई। बंदा सोचता भी भाई जदों बोलन वाले ने जेड़े लोग बुरे कर्म करने वाले वो सुख ने जेडे संत के मार्ग से चलते हैं कठिनाइया बहुत ने परेशानियां बहुत ने। महापुरुषों का कथन है कि भाई जिस बेड़ी में मिठे बेल लगते हैं लोग इटा मार देते हैं इटा खा के फिर भी लोगों को मिठे बेल दी है जिन्हें प्रेम की हो तो नहीं आयो। साखू जी कहते काला होवे गोरा होवे गरीब होवे अमीर होवे किसी कंट्री का रहन वाला होवे भाई वो प्रेम की भाषा सुनता है। आओ मीरा वर्गे ने कई तरह दनाइया कीतिया मीरा गुरु रविदास जी छोटी जाति विचों ने मीरा तू ना भजन ना कर गुरु रविदास जी महाराज जिन्होंने बड़े गर्व के नाल गल लिखी कह रविदास खलार चमारा जो हम सहरी सो मीत हमारा। सतगुरु जी कहते किसी के मन में भुलेखा किसी के मन में शंका ना रह जाए कि भाई छोटी बरादरी वालों रब मिलने वाला नहीं है तो कहते हैं कल चमड़े का कम करने वाला चमार है तो लोग सू चमार इस करके कहते हैं कि साढ़े बजुर्ग चमड़े का कम करते अगर चमड़े का कम करने वाला चमार है सब तो बड़ा चमार भगवान है जो चमड़े के इंसान बना के दुनिया के उत्ते भेज रहे सब तो बड़ा कारीगर सब तो वड्डी फैक्ट्री फिर चमड़े की भगवान की है जरा चमड़े के इंसान बना के दुनिया के उत्ते जात पात के फिर भी उड़ रहे सब लोग मां पिता को खात है रविदास जात का रूप। सतगुरु रविदास जी महाराज दुनिया के लोगों ने किसी नाम संबोधन किया कोई किसी नाल संबोधन किया आचारी वाले गरीब ही हुए ने बहुत विद्वान हुए ने उन्होंने गुरु रविदास महाराज की शोभा में कुछ पंक्तियां लिखिया मैं बहुत उन्होंने यह पंक्तियां पढ़ने का सुभाग प्राप्त होया और बड़ी इस गल तो मैं प्रभावित हाँ कि एडे विद्वान उन्होंने गुरु रविदास महाराज की तुलना में लिखिया कि जिस प्रकार ब्रह्मांड में अनेकों टिमटिमाते सितारे हैं ब्रह्मांड टिमटिमाते सितारों से बड़ा बड़ा है लेकिन उन सितारों में एक ही ध्रुव तारा होता है ध्रुव तारा जिसकी सबसे अधिक रोशनी होती है ध्रुव तारा जिसकी सबसे अधिक लाइट होती है। रजनी जी ने लिखा काशी की धरती संत रूपी सितारों से भरी पड़ी थी लेकिन उन संत रूपी सितारों में अगर कोई ध्रुव तारा है वो सतगुरु रविदास जी महाराज है। दर्द रखो तो खाओ
समाज की हालात जिमें सब्जी के आलू पा दी है आलू किसी सब्जी पा दी साढ़े समाज के लोग सारे धर्म का असी सत्कार किया सारे रहबरों का सत्कार किया लेकिन चले असी जिते मर्जी गए रहे अपने चमार के चमार जे रहना चमार है तो फिर मैं बेनती की भाई अपना घर चंगा है अपना घर जो छोटा है तू वो बड़ा बना सकते हैं। संत महाराज रामानंद जी उन्होंने शहादत तो बाद डेरा श्री 108 सिंह सरबंदा जी सचखंड बल्ला जिन्हें महान महापुरुषों ने काशी बनारस की धरती जो कि रविदासिया पावन दास सिरमौर स्थान है हजारों की गिनती के संत समाज लखों की गिनती के संगत विराजमान सी और इस गल का ऐलान किया गया कि भाई असी अब गुरु रविदास महाराज जी पावन पवित्र अमृत बाणी को पढ़ के सुन के असी सारे पाप गुरु रविदास महाराज जी पावन बाणी के नाल करते हैं। आओ गुरु रविदास नाम देवा संता असी गुरु रविदास महाराज जी औलाद और साडा धर्म रविदासी आया आओ गुरु पहली शासन जी रविदासिया धर्म अब डेरा सचखंड बल्ला के महान महान महापुरुषों ने सतगुरु स्वामी नरेंद्र दास जी महाराज केवल जलंधर पंजाब तक नहीं हरियाणा तक नहीं केवल भारतवर्ष में नहीं पूरे वर्ल्ड में अब संत इस गल का मान महसूस करती है कि भाई अब इन्हों लोगों की अब तक कोई आइडेंटिटी नहीं सी अब तक साड़ी कोई पहचान नहीं सी ये गल मान के नाल असीं गल कहने कि साडा धर्म रविदासी है। बाबा रामानंद जी इटली विखे गए और संतां ने बेनती की महाराज साडे समाज के लोगों की गिनती लखां विच नहीं करोड़ां विच है पर साडी कोई पहचान नहीं है साडा कोई धर्म नहीं है। बाबा रामानंद जी कहन लगे धर्म बनाउण वास्ते की करना पवेगा आइडेंटिटी बनाउण वास्ते की करना पवेगा एक सज्जन ने उठ के खड़े होकर गल कही कहिंदा धर्म बनाउण वास्ते कुर्बानियां दी लोड़ है अज तक जिन्ने धर्म देखते हैं कुर्बानियां दे नाल सिरजे गए हैं ते संत महाराज रामानंद जी कहिंदे अगर शहादत देण दे नाल कुर्बानी देण दे नाल मेरे समाज की कोई पहचान बनती है तो पहली कुर्बानी कौम दे लई मैं देने अपने गुरु को भुलो ना और किसी से भुलो ना आओ गुरु रविदास महाराज जी पावन पवित्र अमृत बाणी को अब असं पढ़ के सुन के सतगुरु जी की पावन पवित्र बाणी के उत्ते चल के असं अपने जीवन को पवित्र बना रहे हैं ते गुरु रविदास जी महाराज दुनिया के पहले महापुरुष होए ने जिन्हों का इंग्लैंड की पार्लीमेंट में उन्होंने जयंती मनाई गई और चीफ गेस्ट के तौर के उत्ते सतगुरु स्वामी नंदन दास जी महाराज सतगुरु महाराज रामानंद जी उन्होंने इंग्लैंड की पार्लीमेंट में बुलाया गया और गुरु रविदास महाराज जी जो बाणी है बेगमपुरा शहर पहुंचाओ दुख रंगो नहीं तैठाओ के गुरु रविदास जी महाराज काशी की धरती के उत्ते आए हैं अब तो 650 साल पहले ढोटी की गल करते हैं बराबरता की गल करते हैं सबनों खाने लिए अन्न मिले पहनने लिए कपड़ा मिले रहन के लिए मकान मिले ये आओ अब उस रैबर की असी औलाद अब उन्हें रैबर की असी गीत गा रहे हैं ये आओ सारी संगतां जी पढ़ती Thank you.
ਮੰਗੇ ਪਹੇਰਾ ਨਾਮ ਦੇਖ ਕੰਨ ਦੇ ਸਾਧੂ ਮੰਗੇ ਪਹੇਰਾ ਨਾਮ ਦੇਖ ਕੰਨ ਦੇ जीवन समाज ऊपर चढ़न दे लई लगा दिता। आओ उन्होंने दसे हुए पाए हुए पूर्णियों से चल के आओ सतगुरु रविदास महाराज जी के उपदेशों में उन्होंने विचारों असी अपने जीवन के ग्रहण करिए और अपन बुराइयों अपने जीवन के त्याग करके अभी अपने रहबरों के अपने गुरुआ के नाम को होर बुलंद करिए होर उच्चा लैके चलीए। तो मैं एक बार फिर लोहरकोटला निवासी संत जिन्हों संत ने महान अल सत्संग का प्रयत्न किया और अमृत वेले तो यह संत बहुत बड़ी गिनती के संत बड़े डिसिपलिन तरीके दे नाल बड़ी श्रद्धापूर्वक तरीके दे नाल बड़ी देर तो संत मैं देख रहा बैठिया हुई ने तो मैं ज़्यादा विस्तारपूर्वक ना जाते हुए क्योंकि महाराज जी ने जो प्रवचन करने हैं तो मैं इन्हों शब्दों के नाल ही गुरु चरणों में नमस्कार करते हुए सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज संचालक मेरा श्री सुवर्षन सरबंधा जी सचखंड बल्ला सगुरा वालों और मैं अपने वालों आसमुचि प्रबंधक कमेटी को और आप सब संतान अज्ज दे शुभ दिन की बेगमपुरा एकता दल मलेरकोटला की प्रबंधक कमेटी को लख लख बधाई दिता हाँ मुबारकबाद दिता हाँ। जय गुरुदेव बोले स्वागत है शुभ रविदास महाराज की जय। श्री सरबंदास महाराज की जय। श्री संत रामानंद महाराज की जय। हेत भगवान की जय। जय गुरुदेव नम गुरुदेव सतनाम सतनाम सतनाम।